नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झूमर रामगढ़ क्षेत्र ग्राम पंचायत कानडिया वाला गांव निवासी हनुमान मीणा देवड़वाल मीणा ने दहेज प्रथा के खिलाफ अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने पुत्र रामेश्वर मीणा की सगाई में दुल्हन के परिवार की ओर भेंट की रकम रुपए की राशि लौटा कर शगुन के लिए 1 रुपए लिए। कानड़िया वाला गांव निवासी रामेश्वर मीणा की सगाई सुनीता मीणा निवासी हरड़ी निवासी जिला जयपुर के साथ बुधवार को हुई। इस दौरान दुल्हन पक्ष की ओर से सगाई दस्तूर में रकम रुपए की राशि सौंपी गई तो दूल्हे के पिता ने लेने से इनकार कर दिया तथा सम्मान के तौर पर शगुन के लिए सिर्फ 1 रुपये लेकर बड़ा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने दुल्हन के परिवार व समाज के लोगों से दुल्हन को ही दहेज मानकर इस कुप्रथा दिखावे को बंद करने का आग्रह किया। इधर आदिवासी मीणा सेवा संघ तहसील अध्यक्ष गोपाल मास्टर ने इस अनूठी पहल की सराहना की। इस पहल को समाज को अपनाने की जरूरत है जिससे बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुचि व उनका मनोबल बढ़ेगा। कुप्रथा बंद होगी तो मिल सकेगा योग्य वर। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।